हाय फ्रेंड्स, मैं बालकुन पंड्या। आज एक टॉपिक लेके आया हूँ कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग कितने टाइप के होते हैं। कई लोगों को पता होगा, लेकिन मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ पता नहीं होगी कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग कितने टाइप के होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग कितने टाइप के होते हैं। सिंपल सवाल है, लेकिन नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये टॉपिक इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं एग्जांपल और फोटोग्राफ के साथ आपको बताऊंगा कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग कितने टाइप के होते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो अंत तक जरूर देखना और लाइक करना, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आपको कोई कंसर्न है अपार्टमेंट बिल्डिंग या कोई मेंटेनेंस रिलेटेड, तो प्लीज़ मैसेज कीजिए। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। इवन दो मेरे संडे लाइव सेशन में अच्छे और कुछ चुनिंदे क्वेश्चन का मैं लाइव स्ट्रीमिंग करता हूं, तो उसमें आपके सवाल आने की संभावना है, जिसमें आपके नाम के साथ मैं बताऊंगा। मे बी स्ट्रीमिंग दोपहर के 2 बजे से लेके 6 बजे के बीच में मैं रखता हूं, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो जरूर आप आपके कमेंट्स या तो आपके सवाल रख सकते हैं। तो लीजिए शुरू करते हैं। आपका आज का टॉपिक है कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग कितने टाइप के होते हैं। दोस्तों, जब रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बात आती है, तो पहले ये कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग किसको बोलते हैं। रेजिडेंशियल बिल्डिंग जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हमको सोने की जगह है और खाने पीने की जगह होती है, जब हम फैमिली के साथ रहते हैं या तो इंडिविजुअली रहते हैं। दोस्तों, बेस्ड ऑन द फैमिली इंडिविजुअली, उसके बेस के ऊपर बिल्डिंग के कुछ प्रकार हैं। सबसे पहला इंडिविजुअल बिल्डिंग। इंडिविजुअल बिल्डिंग को हम ये कहेंगे कि बंगलोस या तो टेनामेंट, टेनामेंट चाहे ट्विन ट्विन टेनामेंट हो या सिंगल, लेकिन वो इंडिविजुअल ही है, जिसकी प्रॉपर्टी एक मकान मालिक की होती है, जहाँ पे वो बड़ा भी हो सकता है बंगलो या छोटा भी हो सकता है, जहाँ पे एक फैमिली या तो मल्टीपल फैमिली रहते हैं। तो पहला आया इंडिविजुअली बिल्डिंग। दूसरा है कि आप अपार्टमेंट या फ्लैट। आपको पता चल जाएगा कि अपार्टमेंट में फ्लैट, क्योंकि जनरली मैक्सिमम पॉपुलेशन अपार्टमेंट और फ्लैट में रहती है। इसमें एक फ्लोर के ऊपर 2, 4, 6 अपार्टमेंट या तो फ्लैट होते हैं, जहाँ पे डिफरेंट उसका ओनर रहता है। बिल्डर एक हो सकता है, लेकिन उसके जो ओनर है वो अलग अलग होते हैं, जिसमें कॉमन एरिया सबके लिए रहता है और वहाँ पे मिलजुल के लोग रहते हैं। तीसरी, लॉजिंग एंड रूमिंग हाउस। तीसरा है, यहाँ पे क्या होता है कि आपको ग्रुप या तो इंडिविजुअली ऑक्यूपेंसी रहती है, जो इंडिविजुअली लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है हाउसिंग, रहने के लिए ओनली, जहाँ पे टेम्पररी या तो परमानेंट वहाँ पे आपको रहने के लिए मिलता है। तो हॉस लॉजिंग एंड रूमिंग हुआ। चौथा आया डॉर्मिस्टोरीज। इसमें क्या होता है कि जैसे हम हॉस्टल में रहते हैं या तो जब सोल्जर्स रहते हैं, उस टाइप का रेजिडेंशियल में मल्टीपल, एक ही रूम में मल्टीपल स्टोरीज में आपको रहा जाता है, जहाँ पे आपको रहने के लिए मिलता है। और पांचवा है होटल। होटल और लॉजिंग रूमिंग में ज़्यादा कोई फर्क नहीं होता है, लेकिन होटल में उसका जो इंडिविजुअली उसका ऑनर रहता है, लेकिन फैसिलिटी लॉजिंग और रूमिंग से ज़्यादा मिलती है, जहाँ पे आपको सिर्फ रहने का फैसिलिटी मिलती है, डिपेंड्स अपॉन द उसका स्टार रेटिंग, और जहाँ पे खाना भी एज पर रिक्वेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों, 5 टाइप की रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है, जहाँ पे रहने का, और या तो रहने का या तो खाने का या तो सिर्फ रहने का इंतजाम होता है। तो दोस्तों, आज आपके 5 टाइप के हमने रेजिडेंशियल बिल्डिंग का डिस्कशन किया। होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों, ये टॉपिक पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू दोस्तों।